हमारे लोग यहाँ उतरे अभी आरू वैली में और सामने जाएंगे। ये देखो ये पहाड़ी के पिस्मो है। ये टॉप पे भी स्नो है, वो पीछे भी स्नो है। आगे जाने का हमको पार्किंग लॉट से आरू वैली। अरे श्रेया कुछ गिली, श्रेया मेरा बाबू। आपने मेरे को छोटा बच्चा दिया? बच्चा नहीं है मैडम, हर किसी घोड़े का एक जान के रहता ही नहीं। जो 12 साल से ऊपर होता है। अभी हमने और क्या पहलगाम से बेतवाली के लिए घोड़े किए, 400 रुपए पर घोड़ा। देखो आगे है, लोग जा रहे हैं। 20 मिनट से आधा घंटा का ट्रैवल है। मे दुम सारे वो कौन लड़ बार साढ़े अब कहाँ से मैडम? पहली बार आया कश्मीर, कैसा लगा? हमारा जो काम रहता है ना, वो 6 महीने का काम रहता है, वो भी टूरिस्ट के ऊपर रहता है। चाहे घोड़ा वाला हो, फोटोग्राफर हो, गाड़ी वाला हो, होटल वाला हो, सब कुछ यहाँ पे। बारिश गिर गई तो सब बंद हो जाए, बाद में बर्फ पड़ता है ऐसी झाली है ना, ये पूरा गायब हो। केदारनाथ में सब गुड़ खिलाते हैं इसको भी, इधर गुड़ खिलाते हैं, चना खिलाता है, मक्की खिलाता है, मट्टी कैल्शियम के लिए। इसको भी इधर इधर 3 टाइम खिलाते हैं, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम। चारा नहीं खाते, घास वगैरह? घास तो डालते हैं, घास तो जितना दिन में डालो तो खाता ही रहता है। सुबह भी सोता है और सुबह हुआ घास भी खिलाते हैं। मेरा घोड़ा भी पानी पिएगा। देखो सांप पानी देख के इसने पानी पिया। अभी मेरी पूरी टीम आगे चली गई। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको भी अपनी जान का उतना ही ख्याल है मैडम जितना आपको है ना। ये गिराएगा नहीं, लेकिन इसको भी अपनी जान का परवाह है, ये नीचे नहीं जाएगा और ऊपर से ये समझदार भी है। यहाँ घोड़े छोड़े हैं और आरू वैली में पहुँचे हैं। यहाँ थोड़ा घूमते हैं, सनसेट हो गया है उसके पीछे पहाड़ी के। नीचे एक वैली थी ना एक साइड में, बोलता ऊपर देखो नीचे मत देखो, उसको वो रोज शाबाश शाबाश करके ऊपर ऊपर लेके पूरा मजा रहेला आशीर्वाद के लग रहा है। हाय गो कितनी चला है चले।
टाइम है इकडे बघ. तुम्ही तिकडे घोड्यावरच फिरत जा तुमच्या अशात याच्यात आम्हालाही राईट देऊन द्याल मग आम्ही आलो. तुम्हाला यायचंय आता सगळं असंच यायचं बरं का एवढं नाही. दोन दिवस एक दिवस मुक्काम आणि एक दिवस फिरायचं पूर्ण. चलो सर देर हो गया चलो सनसेट हो चुका था. हमने आरू वैली में काफी फोटोग्राफी की और अभी वापसी के रास्ते पर नीचे चले हैं. आप थोड़ा राइट साइड की तरफ आ जाओ. और एक नीचे ग्रुप इसी के साथ पकड़ के रखो. नहीं भी पकड़ेगा तो चलेगा. जा रहा है 30 किलो. जी मेरा नाम फिरदौस जी. कोविड में तो बिजनेस नहीं है जिसका पूरा बुरा हालत हो गया था उसका. कैसे किया उधार 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 लेके आते इधर तो ज्यादा नहीं तो कम कमाते. यहाँ पे ज्यादा बर्फ पड़ता है ना. 6 महीना रहता है अभी थोड़ा यानी 1-15 दिन या 1 महीना के बाद बंद हो जाएगा आपका काम. बस यही 10-15 दिन के पास दिन है फिर उसके बाद तो हम बराबर आए. नहीं तो हम लेट आते तो हमको ये देखने नहीं मिलता. ये नहीं देखने को मिलेगा आपको. हाँ मिलेगा लेकिन अगर थोड़ा सा बर्फ गिरता ना हाँ, आता तो बर्फ उठाता. लेकिन जब यहाँ पे ज्यादा बर्फ पड़ता है तो फिर मशीन भी काम नहीं करता. ऊपर जाने नहीं देते बिल्कुल भी नहीं. रुचि बाय. कर्मक का शूटिंग हुआ था वो गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस से. उसका नाम होटल अल्पाइन है और उसका ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है. ज़्यादा डिटेल ऑनलाइन ढूंढने के बाद ही मिल जाएंगे. शरद और दीपाली ये घोड़े छोड़ दिए इन्होंने और पैदल आ रहे पीछे से. हम इसके ऊपर गए थे पीछे इसके पीछे. ओ भैया कौन चीज इधर यहाँ से हमने बेताब वैली की एंट्री की. टिकट निकाला 100 रुपये पर पर्सन और ये भी एंट्री किया है बेताब वैली. शाम हो गई है अंधेरा हो गया. ऊपर स्नो पिक्स है.
Thank you.